प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, जिसका सन्न भी दिया हूँ, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308221। दोस्तों, मैं मोबाइल नंबर इसलिए देता हूँ कि आप लोग कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो मुझसे करिए, मैं आपका फ्री सेवा कर दूंगा। परंतु कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसका कुछ फीस अदा करना पड़ेगा, शुल्क आप देंगे, मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। आज मैं आपके कुंडली में दो ग्रहों की युक्ति बता रहा हूँ, बुध और राहु। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बुध और राहु आपस में मित्र हैं, दोनों का कन्या राशि से संबंध है। कन्या राशि में राहु भी मित्र रहता, राहु भी उनका घर है और बुध का भी घर है। कुंडली में आज आपको बतलाने जा रहा हूँ कि बुध राहु की युक्ति अगर कुंडली में है तो किन किन राशियों को क्या क्या प्रभाव देता है, किस भाव में क्या प्रभाव देता है, ये अब आपको बतलाने जा रहा हूँ। जिसके कुंडली में लग्न में बुध राहु की युक्ति है, ऐसे लोग की सोच अच्छी होती है, समझदार होते हैं, तेजस्वी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है। परंतु व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं होता। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत संघर्ष के बाद उन्नति करते हैं। जीवन में प्रत्येक लाभ में रुकावट आता है, प्रत्येक उन्नति में रुकावट आता है और कभी कभी आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में राहु बुध है, क्या बात है दोस्तों, राहु बुध की युक्ति अगर तीसरे भाव में आपके है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत सुख पाएंगे, माता पिता का भी सुख पाएंगे, माता पिता से जमीन जायदाद भी पाएंगे और ऐसे लोग जीवन में इच्छा अनुसार उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, किसी भी कार्य में इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिलता। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, कभी फेल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है, बहुत जल्दी के बहुत ही कम उम्र में इनका करियर बन जाता है, पूर्ण जीवन का सफल रहता है। जिसके कुंडली में छठवें भाव में बुध राहु की युक्ति है, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, कभी संघर्ष नहीं करते हैं, कभी जेल नहीं जाते हैं, इनका चरित्र नहीं खराब होता है और जीवन इनका मानसिक शांति के साथ व्यतीत होता है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में बुध और राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, कुंवारे लड़का लड़की इच्छानुसार शादी नहीं होता है, मानसिक पीड़ा में रहते हैं, तलाक तक की समस्या आती है और पारिवारिक जीवन में विवाद बना रहता है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, मानसिकता से परेशान रहते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं और जिद को क्रोध के कारण इनके बहुत से कार्य में बाधाएं आती हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में बुध और राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, बेरोजगार हैं तो जल्दी रोजगार नहीं मिलता है, हमेशा जीवन इनका उतार चढ़ाव में व्यतीत होता है।
जिसके कुंडली में दसवें भाव में बुध और राहु की युक्ति हो, दोस्तों ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग कम उम्र में ही अच्छा धन कमाते हैं, सांसारिक सुख पाते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं। जिनके कुंडली में ग्रह में भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग छोटी सी नौकरी में रहकर उच्च पद की पद पाते हैं, ऐसे लोग संसद विधायक मंत्री बनते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में चौथेपन इनके अच्छे जाते हैं, इनके संतान योग होते हैं, इनके जीवन में जो भी धन दौलत तथा स्वयं का कमाया हुआ रहता है, कभी ये गरीबी नहीं देखते। ये छोटा सा वीडियो बुध राहु की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में क्या प्रभाव देता है ये आपके सामने रखा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।